ये है भारत, सोने की चिड़िया। ये ऐसा सोना है जो ना केवल आकर्षित करता है पर उन लाखों करोड़ों लोगों का पेट भी भरता है जो इस देश में रहते हैं। जी हाँ, ये सोना है गेहूं, जो हमारे देश की शान है। और इसी गेहूं से बनती हैं रोटियां। कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वानी। वैसे ही इन रोटियों के आकार प्रकार भी अलग अलग हैं। रोटीज की बहुत ही स्पेशलिटी है, रोटी बहुत खास है और रोटी हर आम आदमी को भी ज़रूरत है रोटी की। तो हालांकि रोटी किस तरह कई तरीके की होती है, कुछ ब्रेड्स नॉर्मल जैसे रोटी हो गई, तंदूरी रोटी है, अपना घरों में भी नॉर्मल रोटी बनती है, तवा रोटी। लेकिन कुछ अपने जैसे बटर नान, कलमी नान, मिस्सी रोटी और आपका जैसे रोटी हो गई, कुलचा वगैरह, ये सब आपको लुफ्त लेना है तो उसके लिए रेस्टोरेंट वगैरह में आदमी आता है, पार्टीज़ में जाता है। और भी अपनी स्पेशलिटी ऑफ जो रोटी है लखनऊ की, रोटी। रोटी साउथ एशिया में खाए जाने वाली एक ऐसी ब्रेड है जो गेहूं के पिसे हुए बुरादे यानी आटे से बनती है। इसका उत्थान एवं इसको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में भी खाया जाता है। रोटी की सबसे पतली प्रजाति को चपाती कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के कुछ भागों में रोजमर्रा की जिंदगी में खाई जाती है। रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, नान, कुलचा, पराठा, शीरमाल, बाकरखानी, पूरी, भटूरा आदि रोटियों के कुछ आधुनिक एवं पौराणिक प्रकार हैं। ये वो प्रकार हैं जिसका सेवन लोग आम तौर पे करते हैं और लोगों में ये काफ़ी लोकप्रिय है। उस रोटी में जैसे आपका शीरमाल हो गया, बाकरखानी हो गया, वर्की पराठा हो गया, गिलाफी कुलचा हो गया, तो ये सब मुगल्स रोटीज़ हैं। जो अपनी ब्रेड जो है ये मुगलई ब्रेड्स हैं, जो आम आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो ब्रेड्स तो आज हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो, ब्रेड तो हर आदमी को खाना है। रुमाली रोटी, अंग्रेजी में इसे हैंडकरचीफ ब्रेड भी कहते हैं। ये रोटी काफ़ी पतली होती है और इसे रुमाल की तरह मोड़ के प्लेट में तंदूरी व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। मुगल ज़माने में मीट और चर्बी रहित भोजन करने के बाद इस रोटी से लोग अपने हाथ पोछते थे, वैसे ही जैसे आज हम रुमाल से पोछते हैं। लेकिन आज भी रुमाली रोटी मुगल के एम्ब्लेम में अपनी एक अलग जगह बनाए हुए है। ये आटा और मैदे से बनती है और सबसे अच्छी ये उल्टी कढ़ाई पे पकती है। दो रोटी कई तरीके की बनती, कुछ रोटी लोहे की स्पेशलिटी तंदूर पे होती है, कुछ रोटी जो बनती है अपने नॉर्मल तंदूर पे। जो नॉर्मल तंदूर पे जो रोटी बनती है उसका अलग लुफ्त है और जो अपने लोहे के तंदूर बनती है उसका अलग जायका है। अपना एक जायका उसका अपना ही अलग ही होता है। उस जायके के बारे में अगर आप टेस्ट करेंगे एक बार भी कोई भी रोटी तो आपको खुद खुद पता चलेगा कि ये रोटी कितनी खास है। तंदूरी रोटी। तंदूर एक सिलेंड्रिकल मट्टी का ओवन है जो खाना पकाने या सेकने के काम आता है। तंदूर का उपयोग सदर्न सेंट्रल एवं वेस्टर्न एशिया और यहाँ तक कि कॉकेसस में भी किया जाता है। तंदूरी रोटी को आटे से बनाया जाता है और इसी भट्टी में सेका जाता है। साउथ एशिया में मुस्लिम राज्य के समय तंदूर को तवज्जो मिली। पूरे दुनिया के भारतीय एवं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आज भी तंदूरी रोटी बहुत ही खास है। नान। तंदूर में पकने वाली एक और बहुत खास और आमतौर पर खाए जाने वाली रोटी को हम नान, डबल रोटी, खमीरी रोटी और कुछ जगहों में डनलप के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर इसे मांसाहारी पकवानों के साथ कुछ खास मौकों पर परोसा जाता है, लेकिन अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके आसपास के देशों के कुछ शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं। इस पे घी या बटर लगा के गर्मा गर्म परोसा जाता है। कुलचा। कुलचा भी एक रोटी का अनोखा प्रकार है जो उत्पन्न तो हुआ पंजाब और कश्मीर से, पर इसे भी भारत और पाकिस्तान में आम तौर पे खाया जाता है। पंजाब के अमृतसर में सबसे लोकप्रिय है ये और इसे वहाँ अमृतसरी कुलचा या अमृतसरी नान भी कहते हैं। कुलचे को मसालेदार छोले के साथ खाया जाता है। छोले और कुलचे का साथ सदियों से चलता आ रहा है। इसे भट्टी में सेका जाता है और बटर लगा के परोसा जाता है। पराठा। सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाश्ता
जो ज्यादातर उत्तरीय भारत वासियों के प्लेट पे दिखता है। पराठे, पराठा, परांदा, परौंदा एक चपाती रोटी के समान है जो भारत और पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के पंजाब शहर से उभर कर आया है। पराठा शब्द दो शब्दों के संधि से बना है, परात और आटा, जिसका अर्थ है सने हुए पके हुए आटों के ढेर सारे परत। बर्मा में इसे पलाता, वहीं मालदीव्स में इसे फराटा भी कहते हैं। इसे तवे पे तेल या घी डाल के फ्राई किया जाता है। ज्यादातर पराठे भरे जाते हैं, वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसमें क्या भरना चाहते हैं। आलू, प्याज, मेथी, पनीर, मीट, कुछ भी जो आपको पसंद है। पराठों के ऊपर बटर लगा के इसे अचार, दही, चटनी या किसी भी सब्जी के साथ खाया जाता है। पराठे को गोलाकार, चौकोर, त्रिकोण या फिर हेप्टागनल यानी पांच कोने वाले आकार से भी बनाया जा सकता है। खीरमाल रोटियों में सबसे लजीज, सबसे ज्यादा अनोखी और सबसे ज्यादा पौराणिक और अवध की शान है शीरमाल। शान अवध लखनऊ की शान यहाँ के शीरमाल से ही होती है। ये तंदूर जो है आपका, ये सबसे पहले ईरान से यहाँ पे आया, और लखनऊ में शीरमाल जो बनी है वो सबसे पहले हमारे यहाँ बनी है। 1830 में शीरमाल की शुरुआत हुई है, नसरुद्दीन हैदर के टाइम पर यहाँ लखनऊ में। शीरमाल ये बनाने के लिए आपका सबसे पहले इसमें मैदे की ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़ाफ़रान पड़ता है, उससे मैदे को तैयार किया जाता है। उसके बाद इस मैदे को लगभग एक घंटे के लिए रख दिया जाता है। फिर इसको जम जाने के बाद इसका पेड़ा काटा जाता है, फिर इसको तंदूर में लगाया जाता है। और लखनऊ में शीरमाल जो है आपके ज़्यादातर शादी या पार्टी में इस्तेमाल की जाती है, और मजलिसों में भी शीरमाल हमारे यहाँ से जाती है। करखानी साउथ एशिया से पहचान पाने वाली अलग अलग परत वाली ब्रेड को हम बाकरखानी कहते हैं। इसका उत्थान मिडिल ईस्ट से हुआ और ये कश्मीर तक फैला हुआ है। कश्मीर और बांग्लादेश में बाकरखानी शब्द आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। रोटी ना केवल अब हिंदुस्तानियों की पसंद है, बल्कि इसे पश्चिमी सभ्यता में भी सम्मान मिल रहा है। अंग्रेज इसको बड़े चाव से खाते हैं और भारत के गुण गाते हैं। रोटी हर सब्जी के साथ अच्छी लगती है, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी। रोटी हर किसी का पेट भरती है।